आरा नगर निगम से डिप्टी मेयर पद की रेस में चर्चित प्रत्याशी पूनम देवी के समर्थन में डिप्टी मेयर प्रत्याशी के प्रतिनिधि समाज सेवी सरोज सिंह के नेतृत्व में कतरा स्थित कार्यालय में चुनावी रणनीति को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी मेयर प्रत्याशी पूनम देवी के समर्थकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित लव पांडे, मुन्ना सिंह सहित कई लोगों ने डिप्टी मेयर प्रत्याशी पूनम देवी को जिताने की अपील की, साथ ही किस तरह से चुनाव में विकास के जो एजेंडे हैं उन्हें जनता तक कैसे पहुंचाया जाए इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। आइए सुनते हैं डिप्टी मेयर प्रत्याशी पूनम देवी के प्रतिनिधि सरोज सिंह ने क्या कुछ कहा। बैठक का उद्देश्य है चुनाव का रणनीति, चुनाव में कैसे हम लोग वर्क करें, कैसे मेहनत करें, कैसे प्रचार करें, इसी का हम लोग सुझाव आपस में कर रहे हैं। लंबे समय से लगातार प्रयास रहा है और आज इस बैठक में हमने सुना कि पिछले बार बहुत प्रयास के बाद अंतिम समय में चुनाव स्थगित हो गया और फिर से एक बार उससे दोगुनी एड़ी चोटी लगाकर लोग प्रयास कर रहे हैं और आज बहुत सारे लोग अपनी बातों को भी रखा है। क्या कहना चाहेंगे इतने लोग जो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं? पूरा जनता, आरा नगर निगम की पूरा जनता ही हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है। लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लगन का समय भी है, समय भी कम मिला है इस बार, तो कितना चुनौतीपूर्ण चल रहा है फिलहाल? देखिए, जो नया नया राजनीति में लोग उतरे हैं उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, मेरे लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं समाज सेवा ही मेरा धर्म है और मेरा कर्म है। अच्छा, आप कहते हैं 20 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, तो उसका कितना फायदा आपको चुनाव में मिलने वाला है? बहुत सारा, हमको तो उम्मीद है कि जनता हमारे साथ है। आज जितना पोलिंग होगा करीबन हमको लग रहा है कि हमारे ही पक्ष में पोलिंग होगा, पूनम देवी के ही पक्ष में पोलिंग होगा। उनका चुनाव चिन्ह क्या है, कितने क्रम संख्या पर है, लोगों से क्या अपील करेंगे? उनका चुनाव चिन्ह चश्मा छाप है जो क्रम संख्या 4 पे है, उनका नाम पूनम, मेरी पत्नी का नाम पूनम देवी है जी। और कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों से? अपील क्या होगा, भगवान रूपी जनता से हमारा यही अपील है कि आप लोग बहुत सारा हमको आशीर्वाद देके इस आरा नगर निगम से हमको विजयी बनावे और मेरी पत्नी पूनम देवी को उप महापौर बनाए। धन्यवाद। इसी के चलते ये बैठक बुलाई गई है कि बीच में जो हम लोग का गैप हुआ उसमें हम लोग तो लगातार लोगों से मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे अभिभावक मित्र साथी हैं, उन लोगों को एक मन में ऐसा था कि चुनाव होगी या नहीं होगी, लेकिन अब आश्वस्त हैं कि चुनाव होगी, जिसके चलते अब चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको अमली जामा पहनाने के लिए हम लोग आज बैठक रखे हुए हैं और हमें पूरा उत्साह के साथ समर्थन मिल रहा है। हम लोग विजयी निश्चित रूप से होंगे, हमारी प्रत्याशी पूनम देवी जिनका चुनाव चिन्ह चश्मा छाप क्रमांक संख्या 4 पर है, जो उप महापौर के प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से अपार जन समर्थन के साथ विजयी घोषित। ये बैठक पुनः इस चुनावी दौर में हम लोग बैठक करने का मेन उद्देश्य है कि जो थोड़ा सा 1.5 महीना जो गैप हो गया था, थोड़ा ऊर्जा कम हो गया था सभी हमारे कार्यकर्ता में, उस ऊर्जा को फिर जागृत करने के लिए सभी गार्डियन रूपी जनता से बात करने के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, ऊर्जा उनको शरीर में आ जाए फिर से, कि जितना लगन से इसके पहले लगे हुए थे, जितने जोश को खरोश से लगे हुए थे, उससे ज़्यादा जोश को खरोश से लगे और इस चुनावी मैंने पूनम देवी को क्रम संख्या 4 पर चश्मा छाप पर वोट दिलवाकर भारी से भारी मतों से उनको विजयी दिलवाए। हम एक अपील यही करना चाहेंगे, पूनम देवी जी क्रम संख्या 4 चुनाव छाप चश्मा छाप, जनता से ही अपील है कि स्वच्छ और हम लोग के बीच में हमेशा रहने वाली सरोज जी हमेशा समाज के लिए करते आए हैं और यही अपील है कि उनको भारी से भारी मत दे करके उप महापौर के पद के लिए विजयी बनाएं। चलिए, ठीक।